सरकार और रोडवेज विभाग की तनातनी लंबी खींचने लगी है, जहां लगातार 7 दिनों से रोडवेज विभाग के कर्मचारी चक्का जाम कर हड़ताल पर है। वहीं रोडवेज कर्मियों के समर्थन में अन्य विभाग भी आने लगे हैं। आज पानीपत के लघु सचिवालय के सामने पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विभाग ने अन्य विभाग के साथ सार कर्मचारी संघ के बैनर तले सरकार विरोधी नारे लगाए और रोडवेज कर्मियों का समर्थन करते हुए सरकार को जलमल की योजना और पंचायतों को हस्तांतरित करने का विरोध जताया और सरकार के नाम ज्ञापन सौंप कर इस पर रोक लगाने की मांग भी की। सब कर्मचारी संघ के बैनर तले आज पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विभाग, बिजली विभाग और निगम के कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन रोडवेज कर्मियों को दिया। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान तेजपाल ने कहा कि सरकार की मनमानी सहन नहीं की जाएगी, इसके लिए कर्मचारी किसी भी आंदोलन को तैयार है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर रोडवेज की जो हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में जो आज ये धरना दिए हुए हैं और DC साहब को ज्ञापन देंगे, उनका समर्थन करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जो प्राइवेट परमिट देने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और पानीपत में, खासकर पानीपत में बताऊंगा, 5 से 10 लाख रुपए में जो परमिट बेचे जा रहे हैं इनकी CBI जांच होनी चाहिए। और रोडवेज का कर्मचारी वो अपनी मांग के लिए नहीं लड़ रहा, वो जनता की मांग है कि ये 1966 से पहले ये विभाग पहले भी प्राइवेट था, बैंक प्राइवेट थे, दूसरे विभाग प्राइवेट थे, अगर आज इस समस्या का हल प्राइवेटाइजेशन से होता तो आज इनका राष्ट्रीयकरण ना किया जाता। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जनता के विभाग हैं, जनता को सुविधाएं देने के लिए ये विभाग बनाए गए थे, इनको तोड़ा ना जाए। और रोडवेज का कर्मचारी जहाँ उन्होंने कहा अपना बोनस और एक एक महीने की तनख्वाह जो देने के लिए तैयार है और बिना शर्त देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो जिस जिद के ऊपर अड़ी हुई है वो उसको वो पूरा नहीं होने देंगे। कुछ चंद लोग जो ये परमिट ले रहे हैं, जो इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको टूटने नहीं देंगे। हिंद एक्सप्रेस के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।